गाँव में आजकल भागदौड़ पड़ी जिंदगी में जो है वो फर्टिलिटी रेट कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, चाहे पीसीओडी हो, कई सारे रीजन के वजह से। ये एक्चुअली मुख्य कारण क्या है और घरेलू उपचार क्या? आजकल तो बहुत ही मतलब तेजी से ये समस्या बढ़ रही है, इनफर्टिलिटी की जो समस्या महिलाओं में, पुरुष में भी ये समस्या आ रही है देखने को। एक तो सबसे मुख्य कारण इसका आता है जो लाइफ स्टाइल, जो बहुत लोगों का गड़बड़ होते जा रहा है, समय से नहीं उठना, समय से नहीं सोना, भाग दौड़ की जिंदगी में अपने ऊपर ध्यान नहीं देना, खान पान उस तरह का पौष्टिक नहीं लेना, और किसी भी तरह मतलब कुछ खा लिए फिर अपना काम में निकल गए, फिर आप किसी स्कूल अब मतलब पढ़ रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त होने के कारण पौष्टिक आहार जो लेना चाहिए वो नहीं लेते। और मुख्यतः इसका जो तीसरा कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि स्ट्रेस, आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अपने महत्वाकांक्षा को लेकर, अपने कार्यशैली को लेकर, अपने सैलरी को लेकर, अपने जिम्मेदारी को लेकर, तो समस्या सबके साथ है, समस्याओं को अपने ऊपर हावी ना होने, समस्या क्यों स्ट्रेस से ऐसा होता है कि हार्मोन्स थोड़ा बदलाव होता है? बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि जो तनाव होता है आपकी एएमएच को कम कर देता है, मतलब महिलाओं में एएमएच जो अंडा होता है, एंटीमोलेरिन हार्मोन का जो लेवल होता है वो घटा देता है, जो अंडा बनाता है, तो वो सबसे अधिक स्ट्रेस के कारण घट जाता है। मतलब हमारे प्रैक्टिस के दौरान हम देखते हैं कि 28-30 साल की जो लड़कियाँ आती हैं, तो मतलब देखा जाए तो यंग होती हैं, लेकिन उनका एएमएच कम हो जाता है, 18 साल 20 साल के लड़के का स्पर्म काउंट कम हो जा रहा है, तो लाइफ स्टाइल उस तरह का नहीं है, दूध लेना है, अंजीर लेना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, शारीरिक मेहनत करना है, मानसिक मेहनत लोग आज के डेट में ज़्यादा करते हैं, फिजिकल मेहनत कम करते हैं, स्ट्रेस पर रहते हैं, जिसके कारण अंडाणु शुक्राणु कम होते जा रहे हैं, क्वालिटी भी नहीं होता, जिसके कारण फर्टिलिटी में बहुत दिक्कत हो रही है।